सो वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेक वॉक पे। आज हम दो तगड़ी वॉचेस का कंपैरिजन करने वाले हैं। फायरबोल्ट की हंटर है मेरे पास, ये अप्रॉक्सीमेटली 1500-1700 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में अभी मिल रही है, मेरे ख्याल से 1800 के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही होगी। लॉन्च हुई थी यही 1600 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मेरे पास है ये कौन सी है, ये है बोल्ट की क्राउन एक्स, ठीक है। और दोनों में ही आपको डिस्प्ले काफ़ी बड़ी मिलती है, 2 इंचेस के करीब करीब डिस्प्ले मिलती है आपको, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा येलोइश गोल्डन कलर में देखने को मिलती है, और ये आपको ये भी चॉकलेटी कलर के उसमें देखने को मिलती है। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये रोटेटेबल क्राउन का, जो कि फायरबोल्ट की वॉच लेके नहीं आती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले साइड बाई साइड आप देख सकते हो। पिक्सल साइज़ तो मतलब यहाँ पे कह सकते हो दोनों का ही 240 पिक्सल्स है, और यहाँ पे पिक्सलेट हो रही है, पिक देख सकते हो साइड बाई साइड आप देख रहा होगा, यहाँ पे पिक्सलेट हो रही है मतलब बोल्ट की वॉच में। और फायरबोल्ट की वॉच में पिक्सलेट तो बहुत कम हो रही है, देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने पिक को लगा रखा है, और यहाँ पे भी मैंने अपने पिक को लगा रखा है, यहाँ पे पिक्सलेट हो रही है वाली पिक, ठीक है। तो गाइज़ ये भी ध्यान रखना है। नीचे की साइड से चिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलती है दोनों में ही, मतलब डिट्टो ही है, देख सकते हो डिट्टो ही कॉपी है, और देख सकते हो सेम ही सेम मिल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाता है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो थिकनेस कहीं ना कहीं आपको बोल्ट में ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू नॉइस, एज़ कम्पेयर टू फायरबोल्ट। तो फायरबोल्ट में आपको थिकनेस कम मिलती है, और स्लिम भी है फायरबोल्ट की वॉच। और ये गाइज लास्ट टू मीडियम रिच के लिए काफ़ी अच्छी है फायरबोल्ट की वॉच, और ये भी आपकी लास्ट टू मीडियम रिच के लिए काफ़ी अच्छी है, बट थिन रिच पे नहीं चल पाएगी। मैं आपको बता रखा है ना कि 2 इंचेस की डिस्प्ले वाली वॉचेस थिन रिच पे या स्किन रिच पे बेकार लगेंगी, ध्यान रखना है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे स्पीकर कमेंट मिल जाता है, और यहाँ पे आपका ये माइक कमेंट मिलता है, यहाँ पे ये रहा माइक कमेंट, और ये बटन्स मिल जाती हैं। बट यहाँ पे एक टेक्सचर दिया गया है फायरबोल्ट की वॉच में, बट ये रोटेटेबल नहीं है, ये थोड़ा सा फ्लॉ है। इसमें टेक्सचर भी दिया गया है और रोटेटेबल भी है, यहाँ पे इस तरीके से वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, बेटर हो जाता है। नीचे वाले बटन से स्पोर्ट्स मोड पे जा सकते हो, यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट्स मोड की बटन ही नहीं है। स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करूँ फायरबोल्ट की, स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इससे बोल्ट की क्राउन एक्स से। और वैसे दोनों में ही 22mm आफ्टर मार्केट का स्ट्रैप इसमें लगा सकते हो क्या, वन सेकेंड, तो गाइस इसमें 22mm से ज़्यादा है मुझे लग रहा है। देखो यहाँ पे जो है इसका और इसका अगर मैं नापूँ आप सभी को बताऊँ तो यहाँ पे इसमें तो 22mm लग रहा है, और मैं एक बार चेक करके बताता हूँ आपको। ये है मेरे पास 20mm का स्ट्रैप, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे 22mm का लग रहा है, और इसमें जो है आपका इसमें भी आपका 20mm है क्या, इसमें भी 22mm है, आई डोंट नो। यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा है, मुझे लग रहा है कि ये जो फायरबोल्ट की वॉच है इसका थोड़ा सा बड़ा है डेफिनेटली स्ट्रैप, इसका 22mm से बड़ा है बेसिकली, क्योंकि इसका 22mm है फॉर श्योर, इसका 22mm से बड़ा मिलता है। तो आफ्टर मार्केट में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इसका स्ट्रैप ढूंढने में, ठीक है। और टैप करते हैं यहाँ पे, होम पे चले चलते हैं। और गैज इस तरीके की कंपैरिजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकवॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को चेक करते हैं। राइट साइड में स्वाइप करते हैं, शॉर्टकट्स में जाते हैं, एग्जैक्टली हु बहुत सिमिलर हैं, मतलब बोल्ट ने कॉपी कर लिया है फायरबोल्ट को, पूरा का पूरा कॉपी कर रखा है उठा के सब कुछ सेम है गाइस। यहाँ पे कार्ड स्टोर करने का ऑप्शन है, रेस्ट हुए कि यहाँ पे भी ये सेम ही चीज़ मिलती है, ठीक है। और नीचे की साइड से आपको मैसेज नोटिफिकेशन मिल जाता है दोनों में ही, आप इस तरीके से मैसेज पढ़ सकते हो। और लेफ्ट साइड में आपको ये रीसेंट मेन्यू टैब मिल जाता है, सेटिंग वो मतलब मेन जो इस पे चलते हैं उससे पहले सेटिंग भी देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर की साइड से स्वाइप करते हैं, यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं, एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है गाइस। ब्राइटनेस लेवल्स यहाँ पे बढ़ाऊँ, उसके बाद स्लीप मॉनिटर यहाँ पे मिल जाता है 30 सेकंड तक का, मतलब स्लीप मॉनिटर नहीं स्क्रीन स्लीप का ऑप्शन मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे बोल्ट की जो ब्राइटनेस है फायरबोल्ट से थोड़ी सी बेटर लग रही है मेरे को। और यहाँ पे वॉच फेस जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे फायरबोल्ट में ज़्यादा मिलते हैं दो, इसमें दो कम मिलते हैं, ठीक है। ये भी है थोड़ा सा, इसमें 7 मिल जाते हैं तो इसमें 5 मिलते हैं। D&D मोड का ऑप्शन मिल जाता है देखने के लिए, उसके बाद यहाँ पे आपको लो पावर मोड मिल जाता है, फोन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, ऑडियो ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब सिंगल चिप कनेक्टिविटी के साथ आती है वॉच, ठीक है। फोन रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, दैट्स इट। तो ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब गाइस यहाँ पे मेन जो चीज़ें हैं उसको चेक करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो गाइस एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म की है वो शो करता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बोल्ट हेल्थ का ऑप्शन मिलता है, हेल्थ में आपको ये अलग से मेन्यू दे दिया है, बट फायरबोल्ट में ये यहीं पर ही सारी चीज़ें फैली पड़ी हैं, तो ये है थोड़ा सा बस यही एक अंतर है, वरना तो सब कुछ डिट्टो ही कॉपी है, यहाँ पे कॉपी कर रखा है। बैक करते हैं, उसके बाद फोन कॉल का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, उसके बाद ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मिल जाता है, स्लीप मॉनिटर का ऑप्शन मिलता है, इसमें भी ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ब्लड प्रेशर मॉनिटर का ऑप्शन मिलता है, वो तो फालतू ही दे रखा मेरे ख्याल से। एक्सरसाइज मोड मिल जाता है, यहाँ पे एक्सरसाइज अलग से मिलती है मेरे ख्याल से ये रहा। तो वॉकिंग करते हैं, 50 स्टेप चलते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं दोनों में से बेटर किस में मिलती है। यहाँ पे 60 स्टेप्स में चले, यहाँ पे फायरबोल्ट की वॉच काफ़ी एक्यूरेट बता रही है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो ये है थोड़ा सा, यहाँ पे स्टॉप करते हैं।
अब गैस आगे चलते हैं यहाँ पे और एक्सरसाइज मोड मिल जाते हैं, उसके बाद वेदर अपडेट्स मिल जाते हैं, उसके बाद मैसेज नोटिफिकेशन है, म्यूज़िक प्ले का ऑप्शन मिलता है, दोनों में ही आपको वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन मिलता है और म्यूज़िक प्ले भी कर सकते हैं दोनों में ही, ठीक है। ये अच्छी बात है, आजकल की जैसे कि वॉचेज हैं जो उसमें नहीं मिलता है, जो कि है नॉइस और बोट की वॉचेज में वो ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है, बट इन दोनों में मिलता है। अलार्म आप सेट कर सकते हो वॉचमेट सेल्फ, और इसमें भी आप अलार्म सेट कर सकते हो वॉचमेट सेल्फ, ये भी अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ई कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर गेम्स का ऑप्शन मिलता है। गेम्स अब कितने मिलते हैं लोग जानना चाहते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कैलकुलेटर एक्जैक्टली सिमिलर है, गेम्स भी आपको सेम ही मिलेंगे, चार ही गेम मिलते हैं दोनों में ही सेम तरीके से, तो गाइस ये भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब गाइस कॉलिंग चेक कर लेते हैं एक बार, कॉलिंग भी चेक करनी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइंड माय फोन QR कोड है, दैट्स इट, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे कॉलिंग चेक करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मेरा फ़ोन, यहाँ पे मेरा फ़ोन, तो एक एक करके करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक ही फ़ोन से दोनों ही वॉचेस कनेक्टेड हैं। तो पहले इसमें सुन लेते हैं लाउडनेस आपकी बोल्ट की वॉच में, ये रही लाउडनेस आपकी, ठीक है, लाउडनेस अच्छी है, देख सकते हो। ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, अब वापस वॉच में भी ले सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेक करूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फायरबोल्ट की हंटर में, ओके, इसमें थोड़ी सी कम लाउडनेस मिल रही है मेरे ख्याल से, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, इसमें थोड़ी सी कम है, हल्की सी कम है बस, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वॉइस असिस्टेंट भी प्रॉपरली काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, तो वॉइस असिस्टेंट अगर मैं करूँ यहाँ पे, ये रहा, व्हाट इज़ द वेदर ऑफ फरीदाबाद, तो इस तरीके से बता रहा है, प्रॉपरली वर्किंग है। अब गाइस यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें चेक करते हैं, व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद, नहीं बताया है, व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद, तो गाइस आई थिंक दोनों ही वॉचेज एक फोन से कनेक्टेड है, इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो चलिए काम करते हैं यहाँ पे, वो तो हमने सारी चीज़ चेक कर ही ली है यहाँ पे, अब एक काम करते हैं हाथ पे पहनते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं दोनों ही वॉचेज की, कौन सी बेटर है, किसकी नहीं है एक्यूरेसी बेटर। सो गाइस यहाँ पे दोनों ही वॉचेज को पहन लिया, दोनों ही कमाल की लग रही है, वैसे लास्ट वीडियो उसके लिए काफ़ी अच्छी है, वैसे स्लिम ये वाली वॉच लग रही है और ये थोड़ी सी अलग लुक दे रही है, एप्पल का लुक दे रही है बेसिकली ये वाली वॉच, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हार्ट रेट चेक करते हैं, उसके बाद हार्ट रेट इसमें चेक करते हैं, वैसे बेस्ट बेलिंग आपको दोनों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। यहाँ पे आपका आ चुका है रिजल्ट, 97 SPD दिखा रहा है, 80 हमारा हार्ट रेट दिखा रहा है, 81 हो चुका है, 82, ठीक है, इसमें देखते हैं, ओके, क्लोज टेक रेट दिखा रहा है 82-83, सेम, यहाँ पे 84 हो चुका है, 88, यहाँ पे भी फायरबोल्ट की वॉच काफ़ी एक्यूरेट बता रही है, ठीक है। अब गाइस SPD2 चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी SPD2 चेक कर लेते हैं, वैसे SPD2 के लिए मैं रिकमेंड ही नहीं करता आप सभी को कि वॉच से आप चेक करें, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो दोनों में से वैल्यू फॉर मनी कौन सी है, स्ट्रेट अवे मैं कहूँगा यहाँ पे बोल्ट की जो क्राउन एक्स है ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे पहला तो आपको रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन मिलता है, दूसरा ये एल्युमिनियम केसिंग मिलती है, इसमें पॉलीकार्बोनेट है, ये ध्यान रखना है, फायरबोल्ट की वॉच में पॉलीकार्बोनेट है, इसमें आपको एल्युमिनियम केसिंग मिलती है। और साथ ही में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोनों में ही चिन डिस्प्ले साइज सबको सेम है, बट ये कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है डिस्प्ले की क्लैरिटी में, फायरबोल्ट की वॉच में क्लैरिटी थोड़ी सी बेटर मिलती है इससे, बट अगेन गाइस सारे के सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, एक्जैक्टली सिमिलर हैं, कॉपी है, फायरबोल्ट की कॉपी कर रखी है इसने बोल्ट ने, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मैं कहूँगा स्ट्रेट अवे ये वाली चीज़ आती है हमारी बोल्ट की क्राउन एक्स, ठीक है। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस की रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।